बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी शो क्रिकेट कैफे, और तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, बात करेंगे सबसे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज के बारे में। भाई, न्यूजीलैंड और इंडिया की जो है सीरीज चल रही है, पहले T20 सीरीज हुई उसके अंदर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। जब ODI सीरीज स्टार्ट हुई, जो पहला मैच हुआ उसके अंदर इंडिया की जो है बहुत अच्छी तरीके से धुलाई की गई। कैम विलियमसन ने और टॉम लिथम ने बहुत ही उम्दा तरीके से धोया है इंडिया को, ऐसे धोया जैसे कोई धोबी कपड़े धोता है। इस तरीके से इंडिया की पिटाई करी है और दूसरा मैच जीता। और जो दूसरा ODI जो हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, वो जो मैच है वो बारिश की वजह से स्टार्ट तो हुआ था लेकिन बारिश की वजह से वो खत्म कर दिया गया, तो उसका कोई डिसीजन नहीं निकला। वो मैच जो है एक तरीके से टाई हो गया। अच्छा जी, ये सीरीज की बात कर ली है हमने, अब आ जाएंगे T10 लीग की तरफ। भाई, T10 में चल क्या रही है? तो कल एक मैच चल रहा था बंगाल टाइगर्स का, जिसको ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद आमिर ने। जी, मोहम्मद आमिर का पहले जैसे मैंने बताया था कि PCB ने उनको NOC नहीं दी थी T10 लीग खेलने की। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने एक TV चैनल पर बैठकर थोड़ी सी बातें कर दी थी टीम्स के खिलाफ। तो भाई, अगर कोई टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती तो कोई भी बात कर देता है। वहाब रियाज ने भी करी और भी क्रिकेटर्स ने बात करी ऐसे, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि जाती दुश्मनी मोहम्मद आमिर के साथ निभाई गई। खैर, ये बात छोड़े, कल जो है फिर मोहम्मद आमिर को मैंने बॉलिंग कराते हुए देखा, लेकिन शर्मनाक बात यह थी कि मोहम्मद आमिर जो है पिटते हुए नजर आए। कल 2 ओवर उन्होंने कराए T10 के अंदर। उनकी जो अगेंस्ट टीम थी वो चेस कर रही थी, और उसके जो कैप्टन थे वो लुइस कैप्टन थे, वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। तो 117 रन 10 ओवर में चेस कर रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर में चेस कर लिया था। और जो हमारे इफ्ती चाचा हैं, उन्होंने भी कल बहुत ही उम्दा T10 के अंदर जो है बॉलिंग कराई। तो मोहम्मद आमिर को जो है NOC दे दी है भाई, वो T10 लीग खेलने के लिए आ गए हैं। तो T10 से थोड़ा सा हटके भी बात कर लेंगे। अभी जो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था वो हो गया कैंसिल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, हमारे जो इंडियन से जिन्हें हम भाई कहते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम पूरा कॉपरेट उनके साथ करते हैं, लेकिन वो जो है हमारे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हमारे इंडियन जो है। तो उनकी वजह से पूरी हमारा एशिया कप जो है खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो है अब जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलने आ रही, तो पाकिस्तान ने भी इस चीज का बायकॉट कर दिया। जो वर्ल्ड कप होना है 2023 में इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, PCB चेयरमैन जो है रमीज राजा, उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी जो वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान, उसका बायकॉट करेगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए। तो भाई, इस चीज से जो है हमारे इंडियंस जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। वो समझ रहे कि पाकिस्तान छोटी टीम है और पाकिस्तान नहीं खेलने आएगी तो वर्ल्ड कप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। उनको मैं ये कह दूं कि भाई, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान जैसी टीम तुम्हें हराती है तो मजा भी आता है। तुम्हारे साथ जब मैच होता है ना, तुम्हारी रोती हुई शक्लें हम देखते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। तो इसी के साथ हमारे दो भाई हैं तारा और सितारा, वो कल बात कर रहे थे एक चैनल पे बैठकर मोटे मोटे से भालू से। उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी और पाकिस्तान के खिलाफ बात करी। असल में वो नेचुरल बात नहीं करते हैं, वो अब हमेशा मैंने उनको देखा, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करते हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई, पाकिस्तानी टीम को आप हल्का नहीं लो। आपने अभी सेमीफाइनल खेल के आप हार गए 10 विकेटों से, या आपका इतिहास जो है तुम आपका रचाया गया है। एक थे मुगले आजम और एक हमारे बाबर आजम, जो है इतिहास रचाए जा रहे हैं आपके खिलाफ। 10-10 विकेटों से आपको हराया जा रहा है, फाइनल तक तो आपकी टीम पहुंचती नहीं है। इतनी बड़ी आप IPL लीग लेके चल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग। हर प्रोग्राम के अंदर आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लीग। अरे भाई, आपका तो कोई बॉलर ही नहीं निकल रहा है। आपका एक 140 की स्पीड उसने मारी, क्या नाम है नया बॉलर उसका है, उमरान मलिक के नाम से एक बॉलर आया, उन्होंने 140 की स्पीड से बॉल कराई तो आपने उसका जश्न मनाया जैसे कि सऊदीया ने। आप ये इस चीज में भी आप कॉपी कर रहे हैं। आप ये देखें सबसे बड़ी बात, सऊदीया वहां से मैच जीता है तो आपने उसको कॉपी कर लिया कि भाई हम भी यहाँ पे आम तातील करेंगे, हम भी जश्न मनाएंगे। तो भाई, जश्न मनाइए। जो आप 140 की स्पीड पे जश्न मना रहे हैं ना, या हमारे आम बॉलर कर लेते हैं 140-150, ठीक है। तो आप बॉलिंग पे अपनी ज्यादातर ध्यान दें, न्यूजीलैंड ने आपकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी है, और अपना पूरा फोकस जो है क्रिकेट पर करें, ना कि इधर उधर की बातों पर, सियासत पर बात करें। और यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आए एशिया कप खेलने के लिए और पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप वहां से लेकर आए, तो मजा है फिर इसका देखने का। तो अगर ये बीच में कहीं होता है एशिया कप, फिर इसका मजा नहीं है बिल्कुल भी।
इसी के साथ अभी इंशाल्लाह पीएसएल भी स्टार्ट होने वाला है। हमारा पीएसएल बहुत ही उम्दा किस्म की लीग हो गई है, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं भाई। मैंने तो सुना है डेविड वॉर्नर भी आ रहे हैं, इस बार स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, एबी डिविलियर आ रहे हैं, हाशिम आमला जो है वो फिलहाल तो वो लीग नहीं खेलेंगे लेकिन वो कोच बन जाएंगे, पेशावर जलमी की कोचिंग करेंगे। और जो है हमारा मोहम्मद आरिफ उसको खेलते हुए नजर आएंगे। आप सरफराज अहमद जो है टीम में वापसी आ गए, और एक हमारा जो प्लेयर है जिसके साथ हमेशा से ज्यादती होती है उसके साथ आज भी ज्यादती हो रही है, फवाद आलम की बात करूं, फवाद आलम को फिर दोबारा टीम स्क्वाड से बाहर कर दिया भाई, समझ से बाहर बात हो रही है, ये हो क्या रहा है। वहां शान मसूद को T20 वर्ल्ड कप खिला दिया तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज से शान मसूद को भी बाहर कर दिया, मतलब हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रॉपर खेल नहीं पा रहे, नए नए लड़कों को डेब्यू करा रहे, और डेब्यू भी किसके खिलाफ करा रहे। आप ये देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट भाई, वो ऑस्ट्रेलिया से एशियन सीरीज खेलते हैं, वो कोई हल्की टीम नहीं है। तो यही कहना चाहूंगा कि फहीम अशरफ को भी चांस दिया, हसन अली का बनना था चांस लेकिन उनको अभी टीम में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह जो है हमारे कैप्टन जो है सरफराज अहमद, बहुत तारीफ के काबिल इंसान, जिन्होंने हमारी टीम को जो है चलना सिखाया और टीम जो है अब देखें दौड़ पड़ी है अपनी मंजिल की तरफ। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने टीम को जो है बाजू बने थे हमारी टीम का, वो दोबारा टेस्ट के अंदर आ गए। अजहर अली खेलते हुए नजर आएंगे आपको टेस्ट सीरीज के अंदर। शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए इस वजह से वो खेल नहीं सकते, और नसीम शाह बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, उनको भी खिलाएंगे, और हारिस रऊफ का जो है डेब्यू कराएंगे इस टेस्ट मैच के अंदर। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से, पहला जो मैच है उसका रावलपिंडी में खेला जाएगा, दूसरा मुल्तान में, तीसरा कराची में। तो पाकिस्तानी शायकीन से यही कहूंगा कि भाई मैच देखने आए मैच को एंजॉय करें, और इंटरनेशनल प्लेयर को अपने ग्राउंड्स के ऊपर खेलता हुआ देखें और क्रिकेट को एंजॉय करें, और इससे जो है मोहब्बत का एक पैगाम दे भाई। जैसे कि अभी फुटबॉल चल रहा है कतर में, बहुत ही उम्दा किस्म का फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अंदर जो है लोग मोहब्बत से आ रहे हैं देख रहे हैं, इसी तरह हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान की लीग हो या पाकिस्तान के अंदर जितने भी इवेंट्स हो उनको हमें मोहब्बत से आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर इंडिया की पिटाई की बात करें तो हमारे एक बॉक्सर ने अभी इंडिया की पिटाई कर दी है, बहुत उम्दा तरीके से पिटाई करी है। तो इंडिया की देखिए हर कोई पिटाई करी जा रहा है, अभी न्यूजीलैंड ने पिटाई कर दी, हमारे बॉक्सर ने पिटाई कर दी भाई, वो बच्चे हरा रहे हैं गोल्फ चैंपियन में इंडिया को, भाई डूब के मरो, तुम्हारी जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसको तुम्हें ना पकौड़े तलना सिखा दो, तुम्हारा काम नहीं है अभी स्पोर्ट के अंदर, पहले सीख लो, अगर इतनी बातें करना आती है ना तो सीख कर भी आओ पहले। तो इसी के साथ अभी फिलहाल हमें इजाजत दे, दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे, इंडिया की जो सीरीज हो रही है उस पर भी बात करेंगे, D10 पे भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।